गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ, क्योंकि तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। गीता में लिखा है कि क्रोध तब पुण्य बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता तब पाप बन जाती है जब वह धर्म और मर्यादा को बचा ना पाए। गीता में लिखा है कि केवल डरपोक और कमजोर लोग ही चीज़ों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वह कभी भी नियति या भाग्य पर निर्भर नहीं रहते। श्री कृष्ण का कहना है कि परेशानी में अगर कोई तुमसे सलाह मांगता है तो उसे सलाह के साथ अपना साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है मगर साथ नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। यह तथ्य जानने पर भी व्यक्ति अपने इस नश्वर शरीर पर घमंड करता है जो कि बेकार है। शरीर पर घमंड करने की बजाय मनुष्य को सत्य स्वीकार करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम अपने आप को भगवान को अर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय चिंता शोक से सर्वदा मुक्त रहता है।